राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को एक साल से ज्यादा हो गए हैं और हम सभी लोगों को कोरोना के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सभी लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से पहले मास्क लगाना जरूरी है और साथ ही बार बार हाथों को धोए और सामाजिक दूरी का पालन करते रहे। अगर सही तरीके से हम सभी कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करते हैं तो हम इस महामारी को रोक सकते हैं। दिल्ली वासियों ने पिछले 2 से 3 महीने बहुत अच्छे से इन सभी नियमों का पालन किया था और जिस वजह से हम सभी को इस महामारी को रोकने में कामयाबी मिली थी। दोबारा अगर ऐसे ही पालन करेंगे तो निश्चित ही फिर से इस संक्रमण को रोक पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री यानी कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जा रहा है और इससे अनावश्यक भीड़ को रोकने में मदद मिलेगी। नाइट कर्फ्यू को पूरे दिल्ली में लगाया गया है जिससे संक्रमण को रोका जा सके और यह नाइट कर्फ्यू थोड़े दिनों के लिए लगाया गया है और सरकार की तरफ से उठाया गया कदम ज्यादा कठिन नहीं है। नाइट कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के बाहर से आ रहे लोग अपना टिकट दिखाकर जा सकते हैं और साथ ही टैक्सी को नाइट कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली के 33 अस्पतालों में 24 घंटे वैक्सीनेशन किया जा रहा है और दिल्ली में कल कुल 84,000 से अधिक लोगों का ये वैक्सीनेशन किया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,506 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 20 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है। 24 नवंबर के बाद से नए मामलों की संख्या सबसे अधिक है। फाइव वन डबल जीरो पॉजिटिव केसेस थे और 1,03,453 टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी थी 4.93। दिल्ली के अंदर लगभग पॉजिटिव 5% या उससे थोड़ा ज़्यादा चल रही है। इसका एक आधा परसेंट 1% ऊपर नीचे होती रहती है, बट पीछे 15-20 दिन से, ये 3 हफ्ते से काफ़ी केसेस बढ़े हैं दिल्ली के अंदर। एक टाइम पर ऐसा था कि 200 से नीचे आ गए थे, आजकल ये 5,000 प्लस पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर भी दिल्ली सरकार बेड बढ़ा रही है। पिछले 3 दिन के अंदर 2,000 से ज़्यादा बेड बढ़ चुके हैं और आने वाले 2-3 दिन के अंदर 2 से 2,500 बेड और बढ़ जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से पब्लिक से निवेदन है कि कोरोना को देखिएगा, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। सबको अब पता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि हम मास्क जरूर लगाएं। जब भी पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी कुछ भी हाथों को टच करें तो उससे पहले हाथों को। तो लगातार देश में कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जो कोरोना के आंकड़े हैं बेहद ही डराने वाले हैं। तो वहीं अब बात करें स्वास्थ्य मंत्री की, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि हम कोरोना को जल्दी ही हरा सकते हैं अगर हम कुछ नियमों का पालन करें, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, मास्क लगाना। और दूसरी तरफ अगर ऐसे समझिए कि सामने वाले को कोरोना है, अगर ऐसे समझेंगे तो हम खुद अलर्ट रहेंगे और हम खुद से स्वस्थ रहेंगे लेकिन दूसरों को भी स्वस्थ बना के ही रखेंगे। तो कोरोना को हराना है तो सावधानी जरूरी होगा। तो दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बेहद ही डराने वाले हैं, कोरोना के 5,000 से अधिक नए मामले सामने आ चुके हैं, हालांकि रिकवरी रेट में भी काफी गिरावट हुई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया है कि लॉकडाउन और पूरी छूट के बीच का रास्ता नाइट कर्फ्यू है। अगर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है तमाम राज्यों में, दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, हालांकि लोगों की बड़ी ही लापरवाही इसी दौरान देखने को मिल रही है। साफ तौर पर सरकार ने संकेत दे दिया है कि अगर लापरवाही देखने को आगे मिलेगी, अगर ऐसे ही आंकड़े आगे भी बरकरार रहेंगे तो आने वाले समय में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो ये आपके हाथ में है, अगर लॉकडाउन नहीं लगाना तो हमें कैसे ना कैसे कोरोना की जो स्थिति है, जो बेकाबू होती नजर आ रही है, इसको कंट्रोल करना है, वो हमारे ही हाथ में है क्योंकि सरकार समझाने का उनका काम है लेकिन कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। तो आप पर डिपेंड है, तो आपको क्या करना है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें मजदूरों की, जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, हालांकि आने वाले समय में जिस तरीके से लॉकडाउन के संकेत दिया गया है उसको लेकर डर के कारण पलायन भी शुरू हो चुका है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे लाइव दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल क्या है दिल्ली में जो स्थिति है बेकाबू होती नजर आ रही है, कोरोना का अपडेट लेना चाहेंगे अब।
देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर स्थिति बिगड़ रही है कोरोना को लेकर, वहीं दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर 5,000 से ज्यादा के आंकड़े आना दिल्ली सरकार की मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। मगर वही सत्येंद्र जैन की बात करें जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि हमने कोरोना के लिए रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अगर लॉकडाउन नहीं चाहिए जनता को तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो बाजारों के अंदर भीड़ है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को पहले बचाने की कोशिश करनी होगी। मगर जिस तरीके से लगातार सरकारें कह रही हैं कि जनता कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं कर रही है, और जब तक जनता नियमों का पालन नहीं करेगी तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आएगी। मगर जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर हमारे पास सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर बेडों की सुविधाएं हैं, हर चीज की सुविधाएं हैं, यहां तक कि जो बेडों की थोड़ी बहुत कमी है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं 2 से 3 हजार के करीब बेड और बनवाए जा रहे हैं, यहां तक कि अस्पतालों के अंदर दे दिए जाएंगे। मगर लगातार कोशिश की जा रही दिल्ली सरकार की तरफ से कि सुविधाओं को देते हुए साथ में लोगों से अपील की जाए कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करें। मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर दिल्ली सरकार की बात माने तो दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान जरूर किया गया है, मगर कहीं ना कहीं जो लोगों के लिए दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए कहा गया है कि लोग बाग ये समझे कि सामने वाले का कोरोना है तो उससे बच के रहना अपने आप, तो कहीं ना कहीं अगर ये करेंगे तो हमें क्या सीखते हैं लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लॉकडाउन से बच के ही हमने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। मगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार जनता पालन करे और जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क का यूज करे तो कहीं ना कहीं कोरोना को हम हरा सकते हैं। मगर जिस तरीके से सरकार की बात करें तो सरकार लगातार वैक्सीनेशन का काम जो है वो लगातार निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं, यहाँ से दुगनी से तिगनी रफ्तार से वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है, यहाँ तक कि नाइट में भी अब वैक्सीनेशन के जो काम है वो भी कड़क किया जा रहा है, अस्पतालों के अंदर 24 घंटे टीकाकरण किया जा रहा है। मगर लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जनता जो है कोरोना से बची रहे, मगर जिस तरीके से जनता लापरवाही कर रही है उससे जरूर स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 5,000 से ज्यादा के आंकड़े आना वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। जी तो राजीव, अगर बात करें दफ्तरों की और ऐसे सरकारी जहाँ पर दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, ऑफिस वगैरह है, कार्यालय में, क्या वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का काम जारी है? क्योंकि वहीं पर ही ज्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं। स्कूलों की अगर बात करें तो वहाँ पर ऐसे जहाँ पर भीड़ भाड़ है तो वहीं पर कोरोना के जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, के बाद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से बाजारों की बात करें, सरकारी ऑफिसों की बात करें या फिर कहें स्कूलों की बात करें, तो स्कूलों को अभी जरूर बंद किया हुआ है, क्योंकि 1ली से लेकर 8वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो बंद किए गए हैं, मगर 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बोर्ड के एग्जाम है उनको जरूर चलाया जा रहा है। मगर जिस तरीके से जो कहते हैं केजी क्लास के या नर्सरी क्लास के जो एडमिशन है वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि स्कूलों तक पब्लिक ना आ सके और कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रहे। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें या फिर सरकारी अस्पतालों की बात करें, निरंतर कोशिश की जा रही है वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों तक पहुंचाया जाए। मगर जनता कहीं ना कहीं जो लापरवाही कर रही है या फिर बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क का यूज नहीं किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। मगर सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर जनता चाहती है लॉकडाउन लगवाना तो लॉकडाउन लगेगा, अगर जनता नहीं चाहती कि लॉकडाउन नहीं लगे और तो कहीं ना कहीं उसके लिए नियमों का पालन करना होगा। जब तक नियमों का पालन करते रहेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी और नाइट कर्फ्यू से ही हमें बचाव मिल सकता है। जी तो राजीव, दूसरी तरफ अगर बात करें जिस तरीके से अब एक के बाद ऐसे आंकड़े कहीं ना कहीं डराने वाले हैं, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, सरकार की तरफ से हो चाहे बात पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, अगर फिलहाल जिस तरीके से अब ऐलान किया है कि अब कार में कोई अगर सिंगल पर्सन भी बैठेगा तो उसको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कल स्पष्ट कर दिया कि अगर सिंगल व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति भी गाड़ी के अंदर है तो वो कहीं ना कहीं अपना मास्क जरूर लगाएगा, क्योंकि सिंगल व्यक्ति के द्वारा भी वायरस का जो खतरा है वो बिल्कुल बनता है। मगर जिस तरीके से मास्क लगाने के लिए कहा गया है तो कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट है, हर व्यक्ति को मास्क जरूर लगाना है ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो। मगर जिस तरीके से जुर्माने की रकम के लिए बात की गई है तो जुर्माना जरूर किया जाएगा अगर मास्क नहीं लगाया जाता, मगर देखना होगा कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग बाग अपने आप को कंट्रोल करते हैं और मास्क का यूज करते हैं और सोशल डिस्टेंस का यूज करते हैं। मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ है तो उससे साफ जाहिर है स्थिति जरूर बिगड़ रही है, मगर उसके लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, या पुलिस अधिकारियों को भी बोला गया है कि सख्ती से पालन किया जाए, यहां तक कि बाजारों के अंदर सख्ती बरती जाए ताकि लोग एक दूसरे से संपर्क जो है वो कम से कम दूरी के हिसाब से बना के रखें। मगर देखना है कि जनता इसी तरीके से लापरवाही करती रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
भोगपुर खंड मिल की समर्था दुगना किया। बटाला अते गुरदासपुर खंड मिलां दी समर्था विच वाधा कीता जा रहा है। गन्ने दी अदायगी समय सिर कीती जा रही है। चार वरियां तों किसानां दी हितैषी पंजाब सरकार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा में चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 8वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8,06,000 बच्चों को सरकार टैबलेट देगी। दरअसल 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को 8 इंच और 11वीं से 12वीं के बच्चों को 10 इंच के टैबलेट दिए जाएंगे। और वहीं शिक्षा मंत्री यानी कि कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर स्कूल बंद करने का ये फैसला हालात के अनुसार लिया जाएगा और एक सीमित दायरे और नियम के तहत ही निजी स्कूल फीस बढ़ा सकेंगे। उन्होंने ये कहा कि स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी पर सरकार की पूरी नजर है और नियमों से अधिक फीस वसूलने की शिकायतें आने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूलों में सरकार को जितनी फीस वृद्धि का प्रस्ताव भेजा होगा उसमें नियमानुसार ही बढ़ोतरी को मंजूरी देंगे। कोरोना के मामलों को लेकर स्कूलों में एहतियात बढ़ती जा रही है और सभी जिलों से रोजाना रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय और सरकार को आती है। हालात की समीक्षा की जा रही है और जो भी निर्णय सरकार स्तर पर होगा उसे लागू किया जाएगा। पंचकुला में हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने 50,00,000 रुपए 17 स्कूलों में दिए और उन स्कूलों में अभी स्मार्ट क्लासरूम शुरू हुए। तो आज एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए हम वहाँ गए थे। शुरुआत तो ने 17 उसमें किए तो उसमें भाग लेने के लिए वहाँ गए थे। तो अच्छा प्रयास है, मैं समझता हूँ एक अच्छा आइडिया है उनका और काफ़ी जो हमारे मंत्री हैं और विधायक हैं मैं समझता हूँ इसके और वो भी ध्यान देंगे, वो भी उसको अपनाएंगे आपके अपने अपने विधानसभा में। प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने की तैयारी? हाँ, नहीं नहीं पूरी तरीके से तैयारी है, बहुत बढ़िया तैयारी है और धीरे धीरे हम सुधार की तरफ हैं। हमारे एडमिशन भी बढ़ रहे हैं और जैसे अभी हम टेबलेट देने की भी बात है वो भी हम देंगे। स्मार्ट क्लासरूम बनाने की भी सरकार की तरफ से प्रयास है और अगर हमारे सभी मंत्री जिस प्रकार से हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने किया ऐसे ही हमारे मंत्री MLA भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी जल्दी ये सारा का सारा हम काम कवर कर लेंगे। हमने 8वीं से लेकर 12वीं तक सभी स्टूडेंट को देंगे, मतलब उसमें कोई SC BC या कुछ भी वो नहीं है। जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सारे बच्चों को देंगे। बस उसमें सिर्फ इतना है कि जो 8वीं से 10वीं तक के बच्चे हैं उनको 8 इंच का टेबलेट होगा और जो क्या। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब कुछ बदलाव होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के कंवर पाल गुर्जर, उनके द्वारा ये कहा गया कि अब आने वाले समय में जो है हाईटेक जो तरीके से जो है बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे क्योंकि इसमें जो स्मार्ट क्लासेस जो है वो भी सरकारी स्कूलों में जो बनाई जाएंगी और वही जो बच्चे हैं आप कोरोना जैसे लगातार फिर एक दोबारा से अपने पैर पसार रहा है प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान में, तो उसी तरह को देखते हुए एहतियात के तौर पर ऑनलाइन शिक्षा भी जो है जारी है और वही जो स्कूल में जाकर भी जो है बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी जाना चाहते तो वो घर बैठ के अपने जो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो उसी में आगे कदम बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग की ओर से जो आठवीं जो क्लास के जो बच्चे हैं 8वीं और 10वीं उनको जो है 8 इंची जो है टैबलेट दिया जाएगा और वहीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनको 10 इंची टैबलेट दिया जाएगा और 8,06,000 बच्चों को जो है ये टैबलेट दिया जाएगा जिससे कि वो अपने घर बैठे जो है अपनी पढ़ाई जो है जारी रख सकते हैं क्योंकि इस समय जो कोरोना
के संक्रमण जो है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, और वहीं जो शिक्षा विभाग इस पर भी जो जिस तरह के केस आगे बढ़ रहे हैं और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आएंगी उस हिसाब से जो है आगे स्थिति को भांपते हुए जो है स्कूलों का खुला रखने या फिर उनको अवकाश घोषणा की जो है स्थिति को स्पष्ट रूप से उसके बाद ही जो है स्थिति साफ हो सकती है। जी, शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर ने ऐलान किया है कि टैबलेट दिया जाएंगे छात्रों को, तो कितने कितने से कितने तक के बच्चों को ये टैबलेट दिया जाएगा और कब तक ये टैबलेट पहुंच पाएंगे बच्चों के पास? बिल्कुल देखिए, ये जो आठवीं से दसवीं के जो बच्चे हैं उनको जो है 8 इंची का जो है टैबलेट दिया जाएगा, और वहीं जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनको 10 इंची जो है टैबलेट दिया जाएगा। और ये जो लाभ जो जिन बच्चों को मिला उनकी जो संख्या है वो तकरीबन 8,06,000 के करीब जो है ऐसे बच्चे हैं जिनको ये जो टैबलेट जो है हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा विभाग की ओर से मुहैया करवाए जाएंगे। इसमें ये जरूर जैसे ही उनकी क्लास चेंज होती है, वो क्लास आगे बढ़ते हैं या स्कूल से पढ़ाई पूरी करके कॉलेज आदि में या जैसे अन्य स्कूलों में जाते हैं, तो ये जो टैबलेट है वो स्कूल को जो है जमा करवाना होगा, और स्कूल में रहते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हुए उनको जो है इस टैबलेट पर पढ़ाई करने की जो है सुविधा जो है हरियाणा सरकार की ओर से दी जाएगी। ये हालांकि एक लंबा समय जरूर हो गया है इसमें, क्योंकि पहले घोषणा किए हुए ये काफी लंबा। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। एंटीला कांड और मनसुख हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह लंबी पूछताछ की है इनसे, और आपको बता दें कि इसके बाद ही शिवसेना नेता और दूसरे पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी एनआईए दफ्तर पहुंचे हैं। दूसरी ओर मुंबई पुलिस की तरफ से सरकार को भेजी गई एक गोपनीय जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सचिन वाजे का निलंबन वापस लेकर उन्हें सीआईयू प्रमुख बनाने का निर्णय परमबीर सिंह का ही था, और इस बीच एनआईए की अदालत ने सचिन वाजे की एनआईए हिरासत भी 9 अप्रैल तक बढ़ा दी है। और बता दें आपको ये भी कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि गृह मंत्री ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट दिया था, और मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी को एनआईए ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। एंटीला केस और सचिन वाजे मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोप कितने सही हैं और कितने नहीं, इसकी जांच की जा रही है। और इसी बीच मुंबई पुलिस के मौजूदा कमिश्नर हेमंत नागराले ने अपनी रिपोर्ट में सचिन वाजे और उनकी पोस्टिंग को लेकर जो बात कही है उससे परमबीर सिंह सवालों के चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कमिश्नर हेमंत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सचिन वाजे की बहाली परमबीर सिंह के निर्देशों पर हुई थी और वाजे उन्हें ही सीधे रिपोर्ट किया करता था। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने सचिन वाजे की बहाली और क्राइम ब्रांच की मुंबई सीआईयू में उनके 9 महीने के कार्यकाल के बारे में महाराष्ट्र गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। एंटीलिया के कांड और मनसुख हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह लंबी पूछताछ की है इनसे, और इसके बाद ही शिवसेना नेता और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी एनआईए दफ्तर पहुंचे हैं। वाजे मामले में वाजे के पोस्टिंग की ऑर्डर कॉपी सामने आई है,
उस पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के दस्तखत है। सवाल यह उठता है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी को मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनाया किसने? ये तीन दलों की वसूली सरकार ने। अब ये तीन दलों की वसूली सरकार का वाजे लाडला था, प्यारा दुलारा था, ये तो देश देख रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री विधानसभा सदन में कहते हैं, वाजे कोई लादे नहीं। जिस प्रकार से वाजे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को रिपोर्टिंग करता था, ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को वाजे के पोस्टिंग के बारे में आदेश किसने दिए? मुख्यमंत्री ने दिए, गृह मंत्री ने दिए, किसने दिए? इस बात की भी जांच होना आवश्यक है। पहले शिवसेना के प्रवक्ता सचिन वाजे की गिरफ्तारी, अब शिवसेना के 2019 विधानसभा के उम्मीदवार प्रदीप शर्मा एनआईए दफ्तर में उद्धव ठाकरे सरकार ने क्रिमिनल लोगों का वसूली के लिए कैसा उपयोग करना, यह दुनिया को दिखा दिया। जांच आ गया, आईपीएस ऑफिसर गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय तक। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बताया जा रहा है कि एनआईए ने परमवीर सिंह से लंबी पूछताछ की है, क्या कुछ खुलासे सामने आए हैं? जी करिश्मा, देखिए जिस तरह से लगातार एनआईए परमवीर सिंह से, उसके बाद जो है शिवसेना के नेता प्रदीप शर्मा से भी पूछताछ की गई है। करीब घंटों पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा और परमवीर सिंह एनआईए दफ्तर से निकले थे। ऐसे में कवास लगाई जा रही थी कि प्रदीप शर्मा जिस तरह से लगातार सचिन वजह से जुड़े हुए थे, सचिन वजह से कई बार उनसे बातचीत हुई थी, इसको लेकर प्रदीप शर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन परमवीर सिंह की अगर बात करें तो परमवीर सिंह ही वो शख्स है जिन्होंने सचिन वाजे को मौखिक तौर पर अपॉइंट किया था। परमवीर सिंह ने ही सचिन वाजे को सीआईओ क्राइम ब्रांच में सीआईओ के पद पे नियुक्त किया था। जी, यही वजह है कि सचिन वाजे लगातार सिर्फ परमवीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि परमवीर सिंह के अलावा जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो सीआईओ के जो है उनको रिपोर्ट करना था, लेकिन सचिन वाजे डायरेक्ट परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। ये तमाम सवाल है जो अब लोगों के जहन में है। लेकिन जिस तरह से नव नियुक्त आयुक्त हेमंत नागरालय को इस पूरे मामले में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था, इस रिपोर्ट को लेकर हेमंत नागरालय ने एनआईए को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि परमवीर सिंह ने ही सचिन वाजे को अपॉइंट किया था और सचिन वाजे डायरेक्ट परमवीर सिंह को पूरी जानकारी देते थे। ऐसे में जिस तरह से परमवीर सिंह ने 100 करोड़ वसूली का मामला गृह मंत्री देशमुख पे लगाया है, वो कहीं न कहीं परमवीर सिंह से जुड़ा हुआ है। जी, ऐसे में एक बार फिर से अनिल परब का भी नाम आया है जो शिवसेना के बड़े नेता हैं। ये कहा गया कि अनिल परब ने भी सचिन वाजे के लिए अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सचिन वाजे इस पूरे मामले में संलिप्त होते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अनिल परब ने कल यह साफ तौर पर कह दिया है कि मेरे दोनों बेटियों की कसम, उन्होंने इस तरह की कोई संलिप्तता नहीं है। लेकिन सत्यप्रकाश, एंटिलिया और मंसूख केस है जो लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात करें कमिश्नर हेमंत की, तो अब हाल ही में एनआईए को रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने साफ तौर पर परमवीर सिंह पर आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं अब दोबारा एक बार फिर से एनआईए के घेरे में नजर आ रहे हैं परमवीर सिंह। जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, ऐसे में तमाम मुश्किलें भी परमवीर सिंह के साथ सचिन वाजे के अलावा तमाम बड़े नेताओं की बढ़ रही है। जैसे में जिस तरह से प्रदीप शर्मा का नाम आया, प्रदीप शर्मा को भी एनआईए ने अपने दफ्तर में बुलाया था, उनसे भी पूछताछ की गई, उसके बाद दोबारा भी पूछताछ की जा सकती है, इस तरह की जानकारी एनआईए ने दिया है। अब लगातार पूछताछ में ये खुलासा हो रहा है कि अब विपक्ष यानी कि भाजपा लगातार परमवीर सिंह पर भी हमलावर है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सबसे पहले बड़ी बात यह है कि परमवीर सिंह को नियुक्त करने वाले चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उनकी भी जांच होना चाहिए, क्योंकि परमवीर सिंह के ही लाडले दुलारे सचिन वाजे थे, सचिन वाजे डायरेक्ट परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। ऐसे में अगर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ वसूली का मामला लगाया है, आरोप लगाया है, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में परमवीर सिंह की भी जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर एनआईए ने कल करीब 7 घंटे तक
परमवीर सिंह का स्टेटमेंट लिया, उनसे पूछताछ की है, तो ये कहीं ना कहीं मामला जो है। तो सत्यप्रकाश, लगातार जिस तरीके से कमिश्नर हेमंत ने जो रिपोर्ट भेजी है, कहीं ना कहीं अब चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं परमवीर सिंह। क्या लगता है परमवीर सिंह के ऊपर जो आरोप अब लगाए जा रहे हैं फिलहाल, क्या अब जो पूर्व गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख पर जो आंच आ रही थी लगातार पर आरोपों का जो एक पंडाल था, कुछ उससे राहत मिल सकती है अब? जी बिल्कुल नहीं, देखिए अनिल देशमुख पूरी तरह से नहीं बरी हो सकते फिलहाल, जब तक जांच एनआईए नहीं कर लेती। उसके बाद सीबीआई भी अब सचिन वजे को अपने हिरासत में लेने की बात कर दी है। हाईकोर्ट ने सचिन वजे को सीबीआई जांच के लिए सहयोग करने का भी आह्वान कर दिया है। ऐसे में सचिन वजे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख सहित तमाम जो लोगों के नाम आए हैं उनसे भी सीबीआई के एनआईए जांच करेगी। उसके बाद में भी उम्मीद है कि अब सीबीआई भी इस पूरे मामले में जांच कर सकती है। हालांकि जिस तरह से कड़ी दर कड़ी खुलती जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई भी परमवीर सिंह से भी पूछताछ की जा सकती है। तो तमाम बड़े अहम खुलासे आने बाकी है। लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है, विपक्ष ने अब परमवीर सिंह को भी टारगेट कर लिया है। विपक्ष चाहता है कि परमवीर सिंह की भी जांच हो, कि परमवीर सिंह वो सख्त है जिन्होंने सचिन वजे को अपॉइंट किया था, हालांकि मौखिक अपॉइंट किया गया था। और जिस तरह से एक लेटर बिल्कुल सत्य विकास, देखना ये होगा अब एनआईए के चक्रव्यूह में अब कौन किस किस के नाम अब शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। और राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।